Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. श्वास पार्टी ने अम्बाला शहर विधानसभा के हर उस कार्यकर्ता के ऊपर जताया है जो संगठन को, जो कमल के फूल को अपना सर्वस्व मानता है। और आज जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर एक माहौल बना है, कार्यकर्ता आज बड़ी एनर्जी के साथ, जोश के साथ और होश में रहते हुए इस चुनाव को जीतने के लिए जो संकल्प लिया है कार्यकर्ताओं ने, मैं पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर लगातार तीसरी बार विश्वास जो जताया है, ये विश्वास असीम गोयल के ऊपर ना होकर उन सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है जिन्होंने लगातार पार्टी को यहाँ सींचने का काम किया है, पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। और ये टिकट भी मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित करता हूँ और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ मेरे कार्यकर्ता का पसीना गिरेगा, असीम गोयल का खून वहाँ गिरेगा और हम इस लड़ाई को कार्यकर्ताओं के बूते बहुत बड़े मार्जिन से जीतने का। हमारा मुद्दा विकास है। जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया गया कि अम्बाला के अंदर जो है अभी बहुत काम करने का मामला है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मैं अपने 10 साल को और पूरे अब तक जब से अम्बाला हरियाणा अलग बना है, हरियाणा तब तक के सारे कामों को हम एक तरफ भी अगर रखेंगे तो 10 साल विकास के नाते इस अम्बाला शहर के अंदर एक नई इबारत लिखी गई है। और जो इन 10 सालों के अंदर काम नहीं हो पाया, जो हमारा मेन एजेंडा था, उन एजेंडों को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 साल में नायब जी के नेतृत्व के अंदर एक नायब अम्बाला बनाने का काम और एक नायब हरियाणा बनाने का काम जो है हर कार्यकर्ता इसका संकल्प ले चुका है। कमल का फूल तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी खिलेगा और अम्बाला शहर के अंदर भी लगातार कमल का फूल तीसरी बार खिलने जा रहा है। कांग्रेस एक तरह से जिस प्रकार से गठबंधन का एक आज सहारा लेकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को आगे चलाया या बढ़ाया है, मैं मानता हूँ नैतिक रूप से कांग्रेस इस चुनाव से बाहर हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जितने उम्मीदवार सीएम के हैं उतने ही उनके गुट बने हुए हैं, यानी 50 तरह के उनके गुट हैं, 50 तरह के लोग मुख्यमंत्री हैं। जो पार्टी अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई वो हरियाणा को क्या खड़ा करेगी? हरियाणा के आज हम बात करते हैं, कांग्रेस कहती है जो हम हरियाणा को आगे लेके जाएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो अपनी पार्टी के संगठन को, जो उनका अंदरूनी मामला है, अब उस क्लेश को मिटा के वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो हरियाणा को क्या आगे लेके जाएंगे? हमने तो हरियाणा को एक जो नॉन स्टॉप हरियाणा नारा दिया, हुड्डा साहब ने उसी के ऊपर कहा कि फुल स्टॉप हरियाणा। सोच पता चलती है कांग्रेस की, कांग्रेस हमेशा विकास विरोधी रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है विकास करवा दिया तो लोगों के मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा क्षेत्रवाद की, जातिवाद की, भाई भतीजावाद की, कृपावाद की, एक नया शब्द चला, इस प्रकार की राजनीति की है, सामंतवाद की राजनीति की है, कब्जों की राजनीति करना, थाने कचहरियों की राजनीति करना, द्वेष की राजनीति करना, ये सब कांग्रेस का एजेंडा रहा है। और कांग्रेस इसी एजेंडे को आगे सेट करके अम्बाला के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी चुनाव लड़ने जा रही है। इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है। कब्जाधारी गैंग जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सामने है, लेकिन जो हरियाणा की सजग जनता है, पिछले 35 सालों से एक रिकॉर्ड है, हरियाणा ने हमेशा जो केंद्र में सरकार रही है उसके साथ ही अपना समर्थन दिया है। और मुझे निश्चित रूप से इस बात का भी, इस बार भी ये भरोसा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार इस केंद्र में सरकार चल रही है और इसी प्रकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नायब जी के नेतृत्व के अंदर इस बार आई है।